गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 2, माय मम्मास लेटर्स। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हैंस टचिंग एंड देयर हार्ट लॉक्ड एज वन। जब उसकी मदर ने जो आंटी जो एक लेडी आई थी उनका हाथ टच किया तो ऐसा फील हुआ जैसे लॉक्ड हो गया हो, यानी हार्ट बीट रुक गई हो। देन मम्मा सेड, तब मम्मा ने कहा लेट्स गो टू चर्च, चलो चर्च चलते हैं। There are some things too big for people to understand। वहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझने के लिए और लोगों को कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं करने के लिए। When mama came home, जब मम्मा वापस घर आई, she couldn't think of anything except the boy with the red hair। वो कुछ नहीं सोच पा रही थी किसके अलावा, सिर्फ वो रेड हेयर वाले बॉय के अलावा। आफ्टर द वार मम्मा पुट अवे पेन एंड पेपर। वार के बाद मम्मा ने अपना पेन पेपर रख दिया था। फिनिटो यानी फिनिश्ड। सी शी सेड बट सी वॉज रॉन्ग। उन्होंने कहा फिनिश, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो गलत थी। द वुमेन हु हैड कम टू हर विद देयर सन्स मेल नाउ रिटर्न विद लेटर्स। जो वुमन अपने बेटों के लिए लेटर लिखवाने आती थी वो कुछ और लेडीज़ के साथ वापस आती हैं। Who had to hear with his sons with letters from their relatives in Italy। अब वो क्या करती हैं उनके बाद, वो अपने कुछ relatives से इटली में उनके मेल और letters लेके वहाँ पर आती हैं। They also came to her for help in becoming American citizens। वो उनकी मदद करती हैं American citizens बनने में, या फिर वो उनसे help लेने के लिए आती हैं। Mama once confessed that she had always dreamed of writing a novel। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनका एक सपना था कि एक नोवेल लिखने का। वाई डिडंट सी आई आस्ट, मैंने पूछा तो वो क्यों नहीं लिख सकती, वो लिख सकती हैं, उनकी तो ये गुड हैबिट है लिखने की। एवरीवन हैज ए पर्पज, हर किसी का लाइफ में शी शेड, उन्होंने कहा हर किसी का कोई ज़िंदगी में मकसद होता है या फिर एम होता है। माइन सीम्स टू बी लेटर, मेरा एम था लेटर लिखना। शी ट्राई टू एक्सप्लेन हर जील फॉर इट, उसके लिए उन्होंने अपना टॉप मोस्ट तक एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया। ए लेटर पुल्स पीपल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स, एक लेटर क्या करता है, लोगों को साथ रख सकता है, बांध सकता है। लेटर के थ्रू हम एक दूसरे की बातें दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इट कैन मेक यू क्राई और शाउट, इससे तुम रो सकते हो, चिल्ला सकते हो विद जॉय, हैप्पीनेस के साथ। अच्छा लेटर है तो हंस हो गए, कोई सैड न्यूज़ है तो रो गए। देयर इज नो फाइनर केयर्स देन अ लव लेटर, यानी एक लव लेटर है तो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे, बिकॉज इट मेक्स द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। लेटर के थ्रू एक दुनिया जो है बहुत छोटी लगने लगती है, कहीं से लेटर के थ्रू हम किसी का भी हालचाल पूछ सकते हैं। एंड द राइटर एंड रीडर, दोनों के लिए, लिखने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए दुनिया छोटी लगने लगती है। द ओनली रूलर्स गर्ल ए लेटर इज लाइफ, ओनली रूलर्स यानी रूल फॉलो करने वाली गर्ल, और लेटर इज, गर्ल कहती है कि लेटर एक जिंदगी, लेटर जो है गर्ल के लिए क्या होता है, एक लाइफ होता है। मम्मास लेटर आर ऑल गॉन नाउ, मम्मा के सारे लेटर अब जा चुके थे। यट द रिसीपेंट स्टिल टॉक ऑफ हर, रिसीपेंट उन्हें रिसीव करने वाले, जहाँ जिसके पास भेजे थे उनके बारे में बात कर रहे होंगे। केयरिंग नेक्स्ट केयरिंग मेमोरीज ऑफ हर लेटर्स नेक्स्ट टू देयर हर्ट्स, और हमेशा केयर कर रहे हों किसके बारे में, मेमोरी यादों को संभाल के रखने की अपने लेटर्स की अपने दिल में, यानी उन लेटर्स के थ्रू जो यादें आती हैं मेमोरीज आती हैं उनको हार्ट के अंदर संभाल के रख रहेंगे। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे, नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस चैप्टर थ्रू PDF।